आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड का एक बहुत ही लाजवाब नया यूनिक स्टाइल का नाश्ता। हेल्दी, टेस्टी, बहुत ही कम ऑयल में और खाने में ऐसा कि सब खाते रह जाएं। इसका नाम है ब्रेड वेजी पैनकेक्स। साथ में अपनी ब्रेड वेजी पैनकेक्स को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगी इंस्टेंट चटनी जो कोई भी फटाफट बना ले। तो चलिए बनाते हैं एकदम फ्लफी टेस्टी ब्रेड वेजी पैनकेक्स। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ मैंने लिए 5 सैंडविच ब्रेड। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, जैसे मल्टीग्रेन या होल व्हीट, कोई भी ले लीजिए। अब हम सबसे पहले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में इस तरह से रफली बस ब्रेड को आप तोड़कर डाल दीजिए। बहुत ही इजी, झटपट बनने वाला नाश्ता है। खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप हमेशा, जब आपको समझ नहीं आएगा क्या नाश्ता बनाए, इसी को बनाना चाहेंगे। तो जो मैंने ब्रेड लिए हैं, सारी ब्रेड को बस फटाफट से इस तरह से रफली क्रश करके ग्राइंडिंग जार में डाल दें। और इसका एक प्रॉपर स्मूथ बैटर तैयार करने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप सूजी। मान के चलिए 6 बड़े चम्मच मैंने सूजी ली है। अच्छे टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और अपने बैटर को बाइंडिंग देने के लिए मैं डाल रही हूँ आधा कप दही। जिस कप से आपने सूजी ली ना, बस उसी कप से आप आधा कप दही ले लें। दही आप ज्यादा खट्टा ना लें, फ्रेश घर का जमा हुआ दही है ये। अब हमें इसका तैयार करना होगा एकदम स्मूथ, प्रॉपर सेमी थिक बैटर। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि हमें जो इसका घोल तैयार करना है, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला। फिर जरूरत के अनुसार और ऐड कर लेंगे पानी। पहले इतना पीस लेते हैं। और ये लीजिए, एकदम स्मूथ बैटर इस तरीके का हमें तैयार करना होगा। और ऐसा बैटर बनाने के लिए इस कप से 1 कप मैंने पानी यूज किया है। कंसिस्टेंसी आपको देखनी होगी, तो आप उसी हिसाब से पानी डालें। बिल्कुल इस तरीके का, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा घोल हमें तैयार करना है। तो चलिए इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमारी फ्लफी वेजी पैनकेक्स के लिए बैटर है बिल्कुल रेडी। तो इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई, और साथ ही जाएगी इसमें 4 बड़े चम्मच बारीक कटी शिमला मिर्च, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 गाजर बारीक कटी हुई। सब्जियां डालना पूरी तरह से आपकी चॉइस है। जो भी सब्जी आप पसंद करते हो, जो आपकी फ्रिज में हो, घर में हो, वो आप यहाँ पर बारीक कट करके डाल सकते हैं। फ्रेंच बीन्स वगैरह भी डाली जा सकती है। एकदम हेल्दी वाला नाश्ता हम बना रहे हैं। साथ ही जाएगा स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च यानी रेड चिली फ्लेक्स, अगर हो तो डालिएगा, वरना आप यहाँ पर सिर्फ लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा छोटी चम्मच जीरा। बस आपको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, सारी चीजें जनरली घर में रहती ही हैं। तो फटाफट से करते हैं इसको मिक्स। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा गाढ़ा फील हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल करके एडजस्ट कर लें। और ये लीजिए, हमारा बैटर हो गया है रेडी बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का, जैसे डोसे के लिए होती है ना, बस वैसा ही। और अपनी ब्रेड वेजी पैनकेक्स को फ्लफी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 सैकेट इनो का, जो लेमन वाला होता है मैंने वो लिया है। आप रेगुलर ब्लू वाला भी ले सकते हैं। और यदि इनो ना हो तो यहाँ पर आप आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा यानी खाना सोडा भी डाल सकते हैं। और पूरी तरह इसके बगैर भी तैयार कर सकते हैं। इससे थोड़ी सी फ्लफी और बहुत ही सुंदर जालीदार बनती है। अब 1 चम्मच इसके ऊपर डाल दीजिए पानी, जिससे ये एक्टिवेट हो जाए। देखिए बबल्स आ गए ना। बस अब जेंटली एक ही डायरेक्शन में इसे कर देंगे मिक्स, और बैटर को अब रखेंगे नहीं, तुरंत हम तैयार करेंगे अपनी फ्लफी ब्रेड वेजी पैनकेक्स। पैनकेक्स बनाने के लिए आज मैं यहाँ पर ले रही हूँ छोटा वाला नॉनस्टिक पैन। आपके पास अगर बड़ा वाला तवा है, आप उस पर भी बना सकते हैं। मैं छोटे वाले में बना रही हूँ। सभी चीजों का ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस पर डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच ऑयल। इस पैनकेक को बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो बस इस तरह से कीजिए पैन को ग्रीस। फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम, और पैन के हल्का गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे 2 लेडल फुल अपना बैटर। बस हल्का सा आप इस तरह से कर दें इसको स्प्रेड, थोड़ा सा फैला दें। और थोड़ी सी हम मोटी ही बनाएंगे अपनी पैनकेक्स, ये बड़ी फ्लफी अच्छी बनेंगी। और अब लो फ्लेम पर इस पर लगा देते हैं 2 मिनट के लिए लिड यानी ढक्कन, जिससे कि बढ़िया से ये सिक जाए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो लगभग 2 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए कितनी जबरदस्त फ्लफी हमारी ब्रेड वेजी पैनकेक इतनी झटपट तैयार हुई है। बच्चे इसके आगे ना पिज्जा नहीं मांगेंगे, बहुत ही बढ़िया लगती है, बहुत सॉफ्ट होती है।
तो इस तरह से धीरे से पलट लेंगे। सुपर, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया लग रही है ना, एकदम बढ़िया सिकी हुई रोस्टेड, बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आसान भी है, हेल्दी भी है, ऑयल आपके ऊपर है, आप 2 गुन तेल में भी बना सकते हैं, बढ़िया से घी बटर में भी बना सकते हैं। तो चलिए नीचे से भी इसको 1 मिनट और सेक लेते हैं, तो इस पर फिर से लगा देंगे लेट सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो चलिए 1 मिनट हो गया है, परफेक्ट। ये देखिए नीचे से भी एकदम बढ़िया हमारी पैनकेक सिक गई है, तो बस इस स्टेज पर इसको निकाल लेंगे। हमारी हेल्दी टेस्टी पैनकेक है बिल्कुल तैयार, सब तरफ से गोल्डन क्रिस्पी, परफेक्ट सिकी हुई। फ्लेम को लो कर दें, हल्का सा ऑयल लगा करके बैटर को हम डाल देंगे और बस इस तरह से हल्का सा फैला देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इस पर लगा देंगे 2 मिनट के लिए लिट। 2 मिनट हो गए हैं, लिट को हटाते हैं, परफेक्ट। ये देखिए कितना फ्लफी जालीदार, ये आप देख सकते हैं हमारा ब्रेड बेजी पैनकेक तैयार हुआ है। तो इसको भी पलट देते हैं, परफेक्ट। ये देखिए, तो जब तक हमारा दूसरा वाला ब्रेड बेजी पैनकेक तैयार हो रहा है, फटाफट बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट झटपट बनने वाली इंस्टेंट चटनी। आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में मैं ले रही हूँ 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी सूखा वाला नारियल का बुरादा, जिसे आप खोपरे का बूरा भी बोलते हैं, क्योंकि हर वक्त तो आपको फ्रेश नारियल मिलेगा नहीं, तो ये बहुत ही आसान और इंस्टेंट तरीका है। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप रोस्टेड चना, जिसे फुटाना दाना भी बोलते हैं और रोस्टेड ग्राम दाल भी बोला जाता है। अगर ये ना हो तो आप यहाँ पर भुनी हुई मूंगफली का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डाल देते हैं हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा नींबू का रस, 3 से 4 बड़े चम्मच पानी, और बढ़िया से इसको पीस लेंगे। और ये लीजिए, परफेक्ट। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, बहुत बढ़िया लगती है चटनी, इसके साथ जब आप वेजी पैनकेक्स खाएंगे मजा आ जाएगा। और ये लीजिए हमारी इंस्टेंट जबरदस्त टेस्टी चटनी है बिल्कुल तैयार, परफेक्ट। हमारा दूसरा पैनकेक भी बिल्कुल तैयार है, तो इसको निकाल लेंगे। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही फ्लफी सॉफ्ट मजेदार हेल्दी टेस्टी ब्रेड बेजी पैनकेक, और आप देख सकते हैं एकदम फ्लफी, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए फ्लफी सॉफ्ट मजेदार एकदम टेस्टी हमारी ब्रेड बेजी पैनकेक्स। ये देखिए इसका फ्लफी टेक्सचर, ये देखिए आप इसकी पूरी जाली देख सकते हैं कि एकदम स्पंजी फ्लफी हमारा ब्रेड पैनकेक तैयार हुआ है। और एंजॉय कीजिए इंस्टेंट नारियल चटनी के साथ, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, एकदम सुबह के लिए परफेक्ट नाश्ता, इनफैक्ट आप इसे लंच और डिनर में भी खा सकते हैं क्योंकि बहुत ही न्यूट्रिशियस है। तो ये सुबह का हेल्दी टेस्टी नाश्ता आप भी बनाएं और मुझे जरूर बताएं अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में कि ये क्विक एंड इजी हेल्दी टेस्टी ब्रेड वेजी पैनकेक्स आपको कैसी लगी। अब स्टाइल पनीर मसाला, 250 ग्राम पनीर, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, हल्दी आप इस तरह कोट कर दें, 2 बड़ा चम्मच घी, अपने पनीर के पीसेस को कर लेंगे रोस्ट, बहुत ही प्यारा गोल्डन, इसको ऑफ कर देंगे, 2 बड़े चम्मच ऑयल, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, दालचीनी के इलायची, लौंग, साबुत काली मिर्च, साबुत धनिया, सूखी लाल मिर्च, 3 बड़े साइज की प्याज, 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ लहसुन, और अब हम प्याज के साथ ही दोनों चीजों को भून लेंगे, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 2 बड़े चम्मच बेसन बड़ा बनाने के लिए, 3 बड़े साइज के टमाटर जिनको मैंने कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है, नमक, टमाटर को मसाले के साथ भूनेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए लेट, 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डालिए, 1/2 कप दही बेबी को मिक्स, भुनी हुई कसूरी मेथी, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा पानी, मिनट के लिए लगा देंगे इस पर लेट पनीर जिसको हमने रोस्ट करके रखा था, जैसे कर दीजिए मिक्स, तो 1-2 मिनट के लिए लगा देंगे इस पर लेट। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें, सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल, जय हिंद जय भारत।